नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पीएसएबी स्टेट पेपर टू हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज आज का जो सीरीज है वह राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलन से संबंधित है। बीएसईबी पेपर टू हिस्ट्री की जो भी सीरीज मिल रही है वो सभी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से और सिलेबस वाइज ही सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है और ये सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जिनको भी चाहिए वो सारे नोट्स आपके उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी है। आप लोग पेमेंट करिएगा, ओनली 200 का पेमेंट करिएगा, केवल 200 रुपये पेमेंट करेंगे आप लोग, बीएसईबी स्टेट पेपर टू हिस्ट्री का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, 1375 एमसीक्यू मिलेगा, साथ ही साथ सिलेबस वाइज सिलेबस के अनुसार सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक का सारा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन, आज का जो टॉपिक है उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन, इसे देखेंगे। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी भिक्षा याचना की नीति ने कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बना दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो इसी बेस पर हुई थी, भिक्षा याचना के आधार पर ही हुई थी। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने कांग्रेस की इस स्थिति की आलोचना की कि कांग्रेस बस अनुनय विनय करने वाली संस्था बन गई है, ठीक है। और इसीलिए कांग्रेस की असफलता के कारण ही उग्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, इसलिए कांग्रेस में एक नया तरुण दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के ढोंग और आदर्शों का कड़ा आलोचक बनकर उभरा। फलतः कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन। उदारवादी यही जो कांग्रेस के मानने वाले थे, उग्रवादी उसी कांग्रेस से निकलने वाले थे, ठीक है। नरमपंथी और गर्मपंथी, इसे नरम दल और गर्म दल भी कहते हैं। हम गर्म दल की बात करेंगे तो इसमें गर्म दल में बाल, पाल और लाल तीन लोगों नेताओं का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय गर्म पंथी वर्ग के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इनका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था, ठीक है। यह किसी प्रकार से समझौते के पक्ष में नहीं होते थे, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस स्पष्टतः दो दलों में विभाजित हो गई। मतलब कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल, ठीक है। इस विभाजन ने भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। इसी उग्र राष्ट्रीयता से अंततः क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, इसी क्रांतिकारी आंदोलन ने। लाल बाल पाल ने राष्ट्रवादी शब्दावली में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को शामिल किया। मतलब ये जो तिगड़ी थी ये तीन नेताओं की, यह स्वदेशी पर बल देते थे, बहिष्कार पर बल देते थे और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, मतलब उग्र राष्ट्रवाद के 1905 से 1915 तक उग्र राष्ट्रवाद चला, यह इसके उदय के कारण क्या है? इसमें कई रीजन हैं, कारण है। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान लोगों को हो गई थी, आत्मविश्वास का संदेश देना था सबको, शिक्षा बेरोजगारी में वृद्धि हो गई थी, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष फैला हुआ था, कोई उपलब्धि नहीं मिल रही थी, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, समकालीन बहुत सारे देशों में क्रांतियां हो रही थी, उग्र विचारों से प्रेरित नेताओं का प्रादुर्भाव और उग्रवादी दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम, तो यह प्रमुख कारण थे जो उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं देखेंगे। यह सभी जितना भी नोट्स आपको दे रहा हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी नोट्स ले लीजिएगा। आंदोलन एवं घटनाएं देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। एओ ह्यूम ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी होता है, ठीक है। अगली घटना देखिएगा, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था और इसी आंदोलन के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है।
बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, बंगभंग आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां और शमीउल्लाह खां ने मिलकर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आगा खां और शमीउल्लाह खां ने मिलकर, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसे सूरत फूट भी कहते हैं, सूरत फूट मतलब सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगली घटना जो देखेंगे, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट प्रमुख व्यक्ति थे। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। मतलब लखनऊ पैक्ट में यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसे ही लखनऊ पैक्ट कहते हैं। दिसंबर 1916 में होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था। मॉन्टेग्यू जो थे क्या थे, मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, भारत सचिव, ठीक है, उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था। अगली घटना रॉलेट एक्ट है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील यह कहा जाता था, इसे काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, मतलब बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील की सुनवाई होती थी, काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला कांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, मतलब यह जलियांवाला बाग कांड जब हुआ तो अंग्रेजों ने हंटर के सत्ता में एक कमेटी बनाई थी दिखावा के लिए, तो उसने उस कमेटी मतलब कितने लोग मारे गए हैं जलियांवाला कांड में और कौन दोषी है, इस पर यह कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जाहिर किया 28 मई 1920 में और इसने जनरल डायर को पूरी तरह से बरी कर दिया। जलियांवाला बाग से संबंधित यह घटना है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन अस्थगित हो गया, मतलब 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन रहे, वह हिंसात्मक न हो और इसमें कुछ हिंसा हो गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1930 को, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने स्थापना किया था, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। श्यामन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 हुई थी, जॉन सैमन की अध्यक्षता में श्यामन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 7 सदस्यीय आयोग था, मतलब श्यामन कमीशन में कितने लोग थे, 7 लोग, और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इस आंदोलन का विरोध भी हुआ, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आया। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, 3 फरवरी 1928 को। भारत साइमन कमीशन में का विरोध हुआ क्योंकि इसमें 7 व्यक्ति थे और सातों अंग्रेज थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका हर जगह इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति लाला लाजपत राय थे नेतृत्वकर्ता, और इस नेतृत्व कर जब वह कर रहे थे तो उन पर लाठियों का प्रहार हुआ, पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ और वह घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनका डेथ भी हो गया, वह वीरगति को प्राप्त हो गए। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव को और पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा हुई थी नमक सत्याग्रह में, ठीक है, साबरमती से लेकर दांडी तक, दांडी आश्रम तक नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, मतलब दांडी यात्रा समाप्त होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। संबंधित व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। इनकी अध्यक्षता में लंदन में यह कॉन्फ्रेंस किया गया था। गांधी में समझौता हुआ था, यहाँ 8 मार्च लिखा है, 5 मार्च है, 5 मार्च 1931 को गांधी में समझौता हुआ था जिसमें महात्मा गांधी और इरविन भाग लेते हैं। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1920 को कम्युनल अवार्ड पारित हुआ था, गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इसको दलितों को। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932। पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता हुआ सितंबर 1932 में किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है। दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं तय हुई, देखिए दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में प्रारंभ में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, लेकिन अब पूना पैक्ट के बाद 148 स्थान सुरक्षित कर लिए गए, पहले 71 उसके बाद 48। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934 में, जयप्रकाश नारायण, मीनू मचानी और एनएम जोशी इसमें प्रमुख संगठनकर्ता थे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 को किसने स्थापित किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था और मुस्लिम लीग ने इस मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को और उसने कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी दे दिया। पाकिस्तान की मांग पहली बार हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग किया किसने? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था और इसी में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कर दी। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था 8 अगस्त 1940 को। देखिए अगस्त संकल्प रहेगा तो अगस्त संकल्प महात्मा गांधी का है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो का है, ठीक है। क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1942 में, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया, संबंधित व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी। शिमला समझौता 25 जून 1945 को शिमला समझौता की शुरुआत हुई थी, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को, कहाँ? बम्बई में, मुंबई में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी जिसमें कहा गया कि भारत को स्वतंत्र जल्द कर दिया जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया था 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को, नेहरू जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। और स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद आप लोग को। देखिए इतना बड़ा ये नोट्स है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और यह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जितना भी लोग देख पा रहे हैं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं तो यह नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा। ओनली 200 में ही आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पेपर BSEB स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, जितने भी वीडियो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, 1 या 2 टॉपिक और होगा आपका, वह भी कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद टेस्ट 3 चलेगी, उसके बाद टेस्ट 3 चलेगा। हर टॉपिक का टेस्ट 3 बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूंगा और हो सकता है आज ही मैं टेस्ट 3 दे दूंगा, ठीक है।
आज ही टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया जाएगा और आज से प्रारंभ करूंगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितनी भी सीरीज मिल रही है सभी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते रहिए। धन्यवाद।